एसडीओ मैडम से बात हुआ, सांसद महोदय से भी हम लोग टेलीफोनिक रूप से बात की, बातों का संज्ञान में लेते हुए सरकार के अधिकारियों से बात करते हुए तुरंत जो है लोगों को क्या उचित मुआवजा होना चाहिए वो उचित मुआवजा लोगों को मिले। लोग रो रहे हैं, कुछ महिलाएं कह रहे हैं कि हम लोग के पास चूल्हा नहीं, कैसे क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, मुढ़ी खाने से तो होने वाला है नहीं, जबकि कुछ लोग मुढ़ी भी ला रहे हैं, परंतु उनको बेहतरीन खाद्य सामग्री देने की आवश्यकता है। दो तीन दिन से लोग भूखा भी हैं, हवा में सभी को पता है डिस्प्लेस क्षेत्र है, लगभग 40 साल से लोग न्याय मांग रहे हैं, इतने सारे लोग बेघर है, अपना मुआवजा को लेकर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, अपना विस्थापन आयोग के थ्रू से जो उनको सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, पुनर्वास की सुविधा नहीं मिल पाया है, पैसे नहीं मिल पाए, आखिर लोग कहाँ जाएंगे, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग है अपने डटे हुए, अपने क्षेत्र में रह रहे, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ अपना जीविका पालन कर रहे हैं। ग्रामों का जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, उसके बीच ही जो है विनोद राय जी पहुंचते हैं, उसके बाद लोगों से सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं, हमेशा ही समाजसेवी के तौर पर देखे जाते हैं, और इस बार जो है यहीं पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां पे मूलभूत चीजों को देखा, लोगों से क्या कुछ बातें की हैं, तमाम चीजों को हम रखने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले अभी जिस तरह से आप जो है इस ग्राम में पहुंचे थे, जहां पे पूरी तरह से जो है पानी का स्तर बढ़ने से जो है पूरा ग्रामीण ग्राम जो है पानी मग जलमग्न हो चुका है, आप जो है उसको लेकर कुछ सहयोग भी किए, यहाँ के क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बात ग्रामीणों से बात करके लगा कि क्या पोटी के लिए। जी बिल्कुल, काफ़ी गांव जो है बाबू चंदा अंदर है, चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है, तकरीबन 30-35 घर जो है आधे दर्जन से ज़्यादा घर गिर गया है, स्कूल के ऊपर हम सभी बोट और नाव के माध्यम से वहाँ पहुँचने का काम किया, राहत सामग्री दिए, खाद्य सामग्री दिए, मेडिसिन दिए, और बहुत ही दुख का विषय कि इस अंधाधुंध बारिशों ने हमें लगता है कि सैकड़ों लोगों को बेघर करने का काम किया। वहाँ पर एक छोटा सा टापू है जहाँ पर 100 की ज़्यादा संख्या में मवेशी जो है वहाँ फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, उनको भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो हम सभी उस चीज़ को भी देखे और बड़ी दयनीय स्थिति देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें न पानी शुद्ध पानी मिल पा रहा है, कुछ लोगों को टाइफाइड मलेरिया जैसे बुखार भी हुए हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिला और घर कूट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जो कि वहाँ से लोग अभी भी सुरक्षित नहीं निकल पा रहे, अभी भी मुझे लगता है कि 30-35 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, और हम सभी का प्रयास है कि उन सभी को नाव के माध्यम से और स्टीमर के माध्यम से सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार कार्य अभी जारी है, अभी नाइट के समय भी हम लोग कुछ व्यवस्था भिजवाएंगे यहाँ पे, और कल सुबह भी हम लोग विजिट करने आएंगे सभी डूबे हुए गांव में, ताकि उन लोगों को एक उचित लाभ मिल पाए और सरकार से भी बेघर हुए लोगों को मुआवजा दिलाने का काम। आप जिस तरह से हम लोग ग्राउंड पे थे, ग्राउंड पे जाने के बाद देखे कि किस तरह से जो है लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि पानी का स्तर इतना बड़ा है कि घर का स्थिति वहाँ पे रहने लायक नहीं है, महज अगर 10-12 दिन के बाद अगर आप आइएगा तो वहाँ पे रहने लायक थोड़ा भी जगह बन सकता है, लेकिन जो स्थिति क्षतिग्रस्त हुआ है उसका लेकर मुआवजा का कोई तौर तरीका कुछ अपना रहे क्या? जी बिल्कुल, मुआवजा का तौर तरीका अपना रहे हैं, वर्तमान यहाँ BDO साहब लगातार आते जाते रहे, BDO साहब से बात हुई, LRDC से बात हुआ, SDO मैडम से बात हुआ, सांसद महोदय से भी हम लोग टेलीफोनिक रूप से बात की, बातों का संज्ञान में लेते हुए सरकार के अधिकारियों से बात करते हुए तुरंत जो है लोगों को क्या उचित मुआवजा होना चाहिए वो उचित मुआवजा लोगों को मिले। लोग रो रहे हैं, कुछ महिलाएं कह रहे हैं कि हम लोग के पास चूल्हा नहीं, कैसे क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, मुढ़ी खाने से तो होने वाला है नहीं, जबकि कुछ लोग मुढ़ी भी ला रहे हैं, परंतु उनको बेहतरीन खाद्य सामग्री देने की आवश्यकता है, दो तीन दिन से लोग भूखा भी हैं, तो हम लोग का प्रयास लगातार जारी है और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाए और उनकी जो कुछ असुविधा है उनको दूर करने का प्रयास। एक बड़ी सवाल रह रही है, इतना जब बारिश का हाई अलर्ट मोड रखा गया था, रेड जोन घोषित कर दिया गया, कहाँ त्रुटियाँ रहीं जो वहाँ के लोग जो है बाहर नहीं आ पाए, उन लोगों को सेफ जोन में नहीं लाया जा सका, त्रुटियाँ कहाँ रही, किसका गलती हो सकता है, किसकी लापरवाही से इस तरह का घटनाक्रम सामने हुआ है? देखिए, इस बातों को अगर हम विस्तारपूर्वक कहेंगे तो पिछागढ़ विधानसभा में सभी को पता है डिस्प्लेस क्षेत्र है, लगभग 40 साल से लोग न्याय मांग रहे हैं, इतने सारे लोग बेघर है, अपना मुआवजा को लेकर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, अपना विस्थापन आयोग के थ्रू से जो उनको सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, पुनर्वास की सुविधा नहीं मिल पाया है, पैसे नहीं मिल पाए, आखिर लोग कहाँ जाएंगे,
उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग है अपने डटे हुए, अपने क्षेत्र में रह रहे, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आखिर जाए तो कहाँ जाए यहाँ के विस्थापित लोग, इसलिए ऐसी स्थिति, इसका सारा जो है कि बातें सरकार के पास जा रही है। सरकार को पहल करना चाहिए, इस मुद्दों को देखना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए एक तरीके के साथ। जिन जिन विस्थापित डिस्प्लेस लोग हैं, जो परिवार हैं, उन लोगों को उचित मुआवजा देके जो भी उनको पुनर्वास नीति के तहत जो उनको सुविधा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा दादा, जिस तरह से आप भी चुनावी राजनीति में आ रहे हैं, हमेशा ही लोगों के बीच एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं, आपका भी जो है वादा रहेगा कि हम विस्थापितों को लेकर हमेशा ही आवाज़ उठाएंगे, सभी का मुद्दा रहता है, आप कुछ अलग करिएगा विस्थापितों के लिए? बिल्कुल, एकदम अलग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जितने भी विस्थापित हैं उनको दोबारा रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। एक नियम के आधार पर जब सरकार जो इतने सारे ज़मीन को लिया और लेने के बाद आज 40 साल बीत गया, फिर भी सरकार कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया और लोग का ज़मीन ऐसे खुला पड़ा हुआ है, उनको दोबारा मुआवजा मिलना चाहिए, उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, स्थानीय जाति सारा चीज़ बनना चाहिए हम लोग के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम विनोद जी से लेने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि चागर में हमेशा ही सक्रिय राजनीति करते हुए नजर आते हैं।